वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन। तो जो पोडोफाइलोटॉक्सिन है वो बेसिकली हमें मिलता है पोडोफाइलम इमोडी या फिर पोडोफाइलम पेल्टाटम के ड्राई रूट्स और राइजोम से, और ये आपको बिलोंग करता है फैमिली बर्बेरी डेसिए को। ठीक है, ये आपका पोडोफाइलोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि पोडोफाइलम इमोडी के रूट या राइजोम्स को ड्राई करते हैं, फिर उसको हम पाउडर्ड करते हैं। पाउडर्ड ड्रग को फिर हम मेथेनॉल या फिर इथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फिल्टर करते हैं। जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है उसको फिर हम वैक्यूम के अंदर उसको कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट करने के बाद जो हमें सेमी सॉलिड मास मिलता है उसको फिर हम एसिडुलेटेड वाटर, यानी कि आप 10 ml HCl को जब 1000 ml वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो आपका एसिडुलेटेड वाटर होता है। तो उससे फिर हम इस सेमी सॉलिड मास को ट्रीट करते हैं और फिर उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे धीरे धीरे हम उसको कूल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेटल्ड प्रेसिपिटेट होता है उसको हम सेपरेट करते हैं और फिर उसको वॉश करते हैं कोल्ड वाटर से। ड्राई करने पे प्रेसिपिटेट जो होता है वो हमको एमॉर्फस डार्क ब्राउन पाउडर देता है, जिसको कि हम पोडोफाइलिन कहते हैं। इस जो पोडोफाइलिन हमें मिलता है फिर उसको हम फर्दर एक्सट्रैक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म से और रिक्रिस्टलाइजेशन करके, मतलब बेंजीन के साथ हम उसको फर्दर प्यूरिफाई करते हैं। उसके बाद फाइनली हम उसको वॉश करते हैं हेक्सेन या फिर पेट्रोलियम इथर से और हमें पोडोफाइलोटॉक्सिन जो होता है वो फिर फाइनली ऑब्टेन होता है। अब हम बात करेंगे एस्टिमेशन के लिए। बेसिकली हम सबसे पहले सैंपल प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ड्रग को मिथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम में हम टॉलिन और इथाइल एसिटेट को यूज करेंगे 5:7 के रेशियो में। जो स्टेशनरी फेज है वो हमारा सिलिका जेल जी होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड और टेस्ट सैंपल का स्पॉट हम सिलिका जेल प्लेट पे लगाते हैं, फिर उसको सॉल्वेंट सिस्टम में डिप करते हैं, फिर उस प्लेट को हम ड्राई करते हैं सॉल्वेंट से निकाल के और उसको फिर डेंसिटोमीटर को 280 नैनोमीटर पे उस प्लेट को हम स्कैन करते हैं। तो हमें वायलेट कलर का स्पॉट मिलता है, फिर उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और ये आपको आरएफ वैल्यू 0.39 पे मिलता है। अब बात करेंगे यूटिलाइजेशन की। तो जो पोडोफाइलोटॉक्सिन है वो आपका कैथार्टिक, यानी कि जो डिफेकेशन होता है बॉडी के अंदर से उसको एक्सेलरेट करता है। साथ ही ये पॉजिटिव की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करता है। ये एक एंटीवायरल एजेंट होता है, ये एंटी हेलमेंटिक एजेंट की तरह काम करता है और ये आपको ट्यूमर के सेपरेशन में भी काफी यूजफुल होता है। तो ये था अबाउट आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।